नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, मोर ने बताया कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है और किन स्थानों पर देती है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक वटवृक्ष के नीचे एक मोर और मोरनी का झुंड रहा करता था। उन मोर और मोरनी के दिलों में बहुत प्रेम था। बहुत समय से वे आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि दूर दूर तक उन दोनों की प्रेम की चर्चाएं हुआ करती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, किसी विवाद को लेकर के मोर और मोरनी में आपस में झगड़ा हो गया। और जब मोर और मोरनी में बहुत झगड़ा होने लगा, तब मोर कहने लगा कि मोरनी, मैं जानता हूं कि संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है, किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। इस तरह की बात सुन के वे मोरनी कहने लगी, क्या मतलब है, तुम यह कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है और वह किस समय पर धोखा देती है? यह सरासर झूठ है, स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती। प्रिय दर्शकों, जब इस तरह से मोर और मोरनी में झगड़ा बढ़ता चला गया, बहुत समय तक वे आपस में लड़ते झगड़ते रहे और उनका झगड़ा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय पर उस वटवृक्ष पर एक हंस आ जाता है और वह हंस आकर के उन मोर और मोरनी से कहता है कि मैं काफी समय से देख रहा हूं कि तुम दोनों आपस में एक बात को लेकर के झगड़ रहे हो। अगर तुम दोनों इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर तुम दोनों इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो क्यों ना तुम कैलाश पर्वत पर चले जाओ। कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से अपने सवाल का जवाब पूछ लो। वो तो जगत के स्वामी हैं। वह तुम्हें बता देंगे कि आखिरकार इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। वह मोर और उसकी पत्नी मोरनी जब हंस के इन बातों को सुनती है तो उन्हें यह बात पसंद आ जाती है। वो हंस की बात को मान करके कैलाश पर्वत की ओर उड़ते हुए चले जा रहे थे और चलते चलते ही मैं कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और भगवान शिव के चरणों में लौट जाते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, आप तो जगत के स्वामी हो, आपने पूरा संसार बनाया है, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तब मोरनी कहने लगती है कि हे प्रभु, ये मोर कह रहा है, इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री देती है और किस समय पर देती है, किन स्थानों पर देती है, ये इसे मालूम है। इसके कहने का मतलब है कि संसार में सबसे बड़ी पापी और सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री होती है। प्रिय दर्शकों, इस तरह से वे मोरनी भगवान शिव से कहने लगती है। प्रिय दर्शकों, कि यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस कहानी में वह ज्ञान छुपा हुआ है। इस ज्ञान को पाने के लिए हम लोग दर दर भटकते रहते हैं, तरह तरह की कथाएं सुनते हैं, लेकिन आज वही ज्ञान इस कथा में आपको कुछ ही समय में मिल जाएगा। इस कथा से प्राप्त किए हुए ज्ञान को अगर आप जीवन में उतारते हो तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में गरीबी नहीं रह सकती, मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं। तब भगवान शिव मोर से कहने लगते हैं कि मोर, तुम कैसे साबित कर सकते हो इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है, तुम कैसे साबित करोगे? तब मोर कहने लगता है कि हे भगवान, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, इस कहानी को सुनने के बाद में यह साबित हो जाएगा कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री होती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, एक मोर तुम कहानी सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी को पूरे गौर से सुनूंगा और फिर उसी से साबित होगा कि आखिरकार तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है यह दुनिया को भी पता चल जाएगा। वह मोर कहानी शुरू करने ही वाला था कि तभी वहां पर माता पार्वती आ जाती है और वह कहती हैं कि हे प्रभु, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूं, मैं भी ये देखना चाहती हूं कि आखिरकार स्त्री अपने पुरुष को सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है
मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है। वो पुरुष होता है, वह स्त्री होती है, और किन कारणों से होते हैं। इस तरह से माता पार्वती भी कहानी को सुनने लगती है। तब वह मोर भगवान शिव को साक्षी मानकर कहानी सुनाने लगता है। कहने लगता है कि हे प्रभु, एक राज्य में एक उग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उस राजा की चार बेटे थे और उसके चारों बेटे बहुत ही ज्यादा बहादुर और बड़े ही प्रतापी थे। लेकिन प्रभु, सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम विश्वजीत था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी बहुत ही सुंदर था। उसके सबसे बड़े बेटे विश्वजीत की पत्नी रत्नावती थी, जो देखने में बड़ी ही सुंदर और बड़ी ही रूपवान थी। वो अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, राजा उग्रसेन ने अपने बेटे विश्वजीत के लिए किसी बात पर नाराज होकर के अपने राज्य से उसे निकाल लेने का आदेश दे दिया। प्रिय दर्शकों, राजा की ऐसी बातों को सुनकर सभी इस बात को लेकर बड़े ही चिंतित हो गए। इधर उसके बाद में फिर विश्वजीत अपने महल में आ गया और अपने महल में जाकर के वह बड़ा ही हताश और निराश हो गया। उधर विश्वजीत को उदास देख करके विश्वजीत की पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आखिर आप इतने हताश निराश क्यों हैं? आखिर तुम्हें कौन सा दुख है? आखिर आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों दिख रहा है? एक राजकुमार होकर के आखिर आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तब उसी समय पर विश्वजीत सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने बड़ा गलत किया है, और अपने मन की सारी बातें अपनी पत्नी रत्नावती को बताने लगता है। रत्नावती को सारी बातें समझा देता। विश्वजीत की बातों को सुनकर के उसकी पत्नी उसी समय पर मूर्छित हो जाती थी, और जब वह मूर्छित हो जाती है तो विश्वजीत बड़ा घबरा जाता है और फिर उसके मुंह पर जल के कुछ छींटे डालता है। सोचने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया है, इसको यह बात बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहा यह फूलों में पलने वाली, और कहा मैंने इसको इतनी गंभीर बात बता दी, इसके हृदय को बहुत बड़ा आघात लगा है। जब राजकुमार विश्वजीत उसको जल के छींटे डालता था, तब कहीं जाकर के रानी रत्नावती को होश आ जाता है, और जब वह होश में आती है तो रत्नावती अपने पति विश्वजीत से कहने लगती है, आप मुझ दासी को छोड़कर के परदेश के लिए चले जाएंगे तो फिर भला मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? हे स्वामी, मैं भी आपके साथ में ही जंगल में चलूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर के तब राजकुमार विश्वजीत कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। तुम इतने अच्छे, सुंदर और नरम नरम महलों में रहने वाली हो, तुम गलीचों पर चलने वाली हो, तो महलों के बिना इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? प्रिय दर्शकों, फिर तो राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर के रानी रत्नावती कहने लगती है कि पियाजी, कितने भी दुख परेशानी दूसरे राज्य में हमें आएंगी, ऐसा सब हमारे साथ होते हुए भी हमें सुख से अधिक सुखमय लगेंगे। पियाजी, आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे। इसलिए पियाजी, आज मैं आपके साथ ही चलूंगी। इधर मोर कहने लगता है कि हे प्रभु, रानी रत्नावती की आंखों में आंसू देख करके विश्वजीत ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वह अकेली यहां नहीं रहेगी, इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी रत्नावती से कहता है कि हे प्रिय, तुम उदास मत रहना, आज हम तुम्हें अपने साथ में लेकर के जंगल में चलेंगे। विश्वजीत की इन बातों को सुनकर के रत्नावती भी एकदम से प्रसन्न हो जाती हैं और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है, तैयारी करने लगती हैं। अगली सुबह के लिए वे दोनों पति पत्नी राज्य से निकलकर के एक जंगल में पहुंच जाते हैं और दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं, तो दोनों चलते चलते बहुत थक भी चुके थे। फिर वह जंगल में एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय ले लेते हैं। वे दोनों लंबे सफर के कारण बहुत ज्यादा थके हारे हुए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा के झोंके भी चल रही थी। उसी समय ठंडी ठंडी हवा के झोंकों में उन दोनों पति पत्नियों को नींद भी आ गई। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ देर के बाद में वहीं पर एक जहरीला सर्प आकर के रानी रत्नावती को काट देता है। और इधर मोर कहता है कि हे प्रभु, अब आगे भी सुनिए। जब उस जहरीले सर्प ने रानी रत्नावती को डस लिया तो रानी रत्नावती एकदम से तड़पने लगी। पत्नी को दर्द से कराता हुआ देख करके विश्वजीत की आंख एकदम से खुल गई।
तब विश्वजीत रानी को तड़पता हुआ देख करके और सांप को जाता हुआ देख करके एकदम से घबरा जाता है। राजकुमार विश्वजीत बहुत बेचैन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसे दृश्य को देखते ही उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से अपनी पत्नी को मरी हुई देख करके विश्वजीत ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुन करके जंगल के शेर भेड़िया और आधी जानवर उसे खाने के लिए आने लगे। फिर राजकुमार विश्वजीत ने अपने दिल पर पत्थर रख करके यह निश्चय कर लिया कि इस जंगल में मेरी जीवन संगिनी ही मर गई है, तो फिर भला मैं जी करके क्या करूंगा। आज मैं अपनी पत्नी के बिना इसी जंगल में अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद में फिर वह अपनी पत्नी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल में जाकर के सूखी लकड़ियों को इकट्ठी करने लगता है और लकड़ियों को इकट्ठा करते करते रो रो कर कहता है कि मैं भी आज अपनी पत्नी के साथ में जल करके मर जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, उसी समय पर वहां से एक दिव्य संत गुजर रहे थे। जब वे दिव्य संत विश्वजीत को रोते हुए देखते हैं तो वह कहने लगते हैं कि पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? इस भयानक जंगल में तुम क्यों विलाप कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो जंगल के जानवर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार विश्वजीत से उस महात्मा से कहने लगता है कि हे महात्मा, मैं राजकुमार विश्वजीत हूं और मैं राजा उग्रसेन का बेटा हूं। मेरी पत्नी को यहां एक जहरीले सर्प ने डस लिया है जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। हे महात्मा, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान थी, बड़ी पतिव्रता थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरे साथ आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। हे महात्मा, ऐसी पत्नी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। ऐसी चरित्रवान स्त्री मुझे दोबारा इस संसार में कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हे महात्मा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ में मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं भी उसके साथ में अपनी जान दे दूंगा। महात्मा, मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और इसलिए मेरी पत्नी इस जंगल में मेरे साथ आई थी और उस जगह पर आते आते उसे सर्प ने डस लिया। इसकी वजह भी मैं हूं। अगर वह मेरे साथ ना आती तो शायद आज वह जीवित होती। प्रिय दर्शकों, वे महात्मा कहने लगते हैं कि राजकुमार, तू बहुत ही बड़ा मूर्ख है और अज्ञानी भी है। ये संसार है, यहां तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं उन सभी मनुष्य के लिए इस शरीर को त्यागना ही होता है। इस बात को तू भी जानता है। इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं आता और न ही कुछ लेकर जाता है और न ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हो। महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को अपने पास प्राप्त कर सकते हो। इस तरह की कई रानियां तुम्हें फिर से मिल सकती हैं। आज तुम मेरी बात मान लो और अपनी प्राण मत त्यागो। तब राजकुमार कहने लगता है कि नहीं महात्मा, मैं अपने प्राण जरूर त्यागूंगा। ऐसी रानी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती। मेरी रानी बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही पतिव्रता थी। तब महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम मेरे कहने पर मरने का विचार त्याग दो। तुम्हें मालूम नहीं है इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी दिन रात बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं, तो फिर आप जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उस महात्मा के शब्दों को सुनकर के इंद्रसेन कहने लगता है कि महात्मा, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ में ही चलकर मैं मरना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, फिर उसके बाद में उस महात्मा ने विश्वजीत के विचार को सुनकर के पूरी तरीके से जान लिया कि ये आज यह जीवित नहीं बचेगा। यह राजकुमार अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब महात्मा विश्वजीत से कहने लगे, हे राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन। यदि तू उपाय को कर सकता है तो तेरी पत्नी भी पहले की तरह ही जीवित हो सकती है। तब विश्वजीत महात्मा की बात को सुन करके जवाब देने लगता है। कहता है, महात्मा, अब जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। कृपया करके मेरी स्त्री को तुम जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया, हे राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 20 वर्ष की थी, जो कि इसने इतने लंबे सफर में उसे बिता दिया। इसके बदले तेरी जो उम्र है वह 70 वर्ष की है। इसमें अभी तेरी आयु भी 30 वर्ष बीत चुकी है। तेरे जीवन में भी अभी 40 वर्ष बाकी है।
यानी कि तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधी उम्र समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की उम्र जो है वह एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो, इस बात पर तैयार हो जाओ तो तुम्हारी पत्नी जल्द ही जीवित हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से उस महात्मा की बात को सुनकर के राजकुमार विश्वजीत कहने लगता है कि तुम्हारी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद में महात्मा विश्वजीत के हाथ में जल देता है और उस जल को रानी के पैरों में डालने के लिए कहता है और कहता है कि तुम संकल्प लो कि मैं अपनी 20 वर्ष आयु में रानी को दान करता हूं। अब वह मोर कहता है कि हे प्रभु, जैसे ही राजकुमार विश्वजीत ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी 20 वर्ष आयु अपनी पत्नी रत्नावती को दान कर रहा है, उसी वक्त दिव्य संत कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, पहले मेरी एक बात को बड़े ध्यान के साथ में समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य भी मिलेगा जिसे समझना, तुम्हें बहुत जानना बहुत जरूरी है। अभी तो तुझे अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डाल के उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी, उसी क्षण इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, एक बात को तुम हमेशा याद रखना, इस संकल्प को वापस लेने की बात अपनी रानी से कभी मत कहना, नहीं तो तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। वे महात्मा कहते हैं कि हमेशा याद रखना, मनुष्य को जीवन में कुछ बातें छुपा करके रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें कुछ काम आ सकती हैं। प्रिय दर्शकों, फिर तो ऐसा कहकर राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी को 20 वर्ष आयुदान दे दी। राजकुमारी रत्नावती वहां पर उठकर बैठ खड़ी हो गई। उधर वह महात्मा वहां से अदृश्य हो गए। उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आप तो सो गई थी, मैंने आपको नहीं जगाया। फिर उसके बाद में विश्वजीत अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम बहुत ज्यादा थकी हारी हुई थी इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इधर मोर कहने लगता है कि हे प्रभु। इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी से ये सारी बातें छुपा ली कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। इन बातों को विश्वजीत ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। इधर वह मोर कहने लगता है कि फिर वहां से विश्वजीत अपनी पत्नी को लेकर के आगे बढ़ जाता है और कई दिनों के बाद उसने बहुत ही सुंदर स्थान को देखा। वहां पर एक फकीर की कुटिया बनी हुई थी। वहां पर वह पहुंच गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा फकीर वहां पर बैठा हुआ हुक्का पी रहा है और इधर दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा थके हारे हुए थे, इसलिए वे दोनों उस फकीर के पास में जाकर के बैठ गए। उस समय विश्वजीत ने अपनी पत्नी रत्नावती से कहा कि हे प्रिय, मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है और प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है, कुएं पर चलकर के पानी पीकर आते हैं। यदि तुमको भी प्यास लगी हो तो हम जाकर के तुम्हारे लिए भी पानी की व्यवस्था कर लाते हैं। तब वह मोर कहने लगता है कि हे प्रभु। राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर के वह रानी कहने लगती है कि पियाजी, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, अब जाइए पानी पीकर के फिर मेरे पास वापस आ जाइए। इसके बाद में पानी के जवाब को सुनकर के राजकुमार विश्वजीत एक लंबी सी रस्सी हाथ में लेकर के कुएं की ओर बढ़ने लगा। इधर राजकुमार विश्वजीत कुएं पर पानी पीने के लिए पहुंच गया तो उसी समय पर क्या हुआ, राजकुमारी रत्नावती उस फकीर की तरफ देख रही थी। इधर रत्नावती उस फकीर की सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उसको पूरी तरीके से दिल दे बैठी। अब राजकुमारी रत्नावती उस फकीर से कहती है कि हे फकीर, आप तो यहां पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं। तब वह फकीर कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहां पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी रत्नावती कहने लगती है कि मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरा पति है, मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूं। प्रिय दर्शकों, रानी की ऐसी बात सुनकर के वह फकीर समझ जाता है कि रानी उस पर आसक्त हो बैठी है। तब वह फकीर रानी रत्नावती के साथ में प्रेम लीला करने लगता है तो उसी समय पर फकीर ने रानी से कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूं, तुम्हारा पति इस कुएं पर पानी पीने के लिए गया है, तुम अपने पति को जाकर के उसी कुएं में ढकेल देना, इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देखेंगे। इधर मोर कहता है। फिर तो वो फकीर की बात सुनकर के रत्नावती ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। प्रिय दर्शकों,
अब इतनी ही देर में राजकुमार विश्वजीत से पानी पीकर के अपनी पत्नी के पास में आ गया। तो उसी क्षण राजकुमारी रत्नावती भी कहने लगी कि पियाजी मुझे भी बहुत तेजी से प्यास लग रही है, प्यास की वजह से मेरा भी गला सूख रहा है, तुम कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिलाओ। तो उसी वक्त पत्नी की बात को सुनकर के राजकुमार विश्वजीत कहने लगा कि प्रिय, मैंने तुमसे जाने से पहले ही पूछा था और तुमने पानी पीने को मना कर दिया था, यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी कुएं पर जाकर के तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करके आता हूं। पत्नी से इतनी बातचीत करने के बाद में विश्वजीत कुएं पर पानी लेने के लिए चला गया। तब रानी भी उसके साथ में पीछे पीछे चल दी और कहने लगी, अब मैं यहां पर बैठकर क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे चलती हूं। प्रिय दर्शकों, इधर वह मोर कहता है कि प्रभु राजकुमार विश्वजीत जो था वह अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत बुरी तरह पागल था। आखिर उसको यह कहां मालूम था कि मेरी ही पत्नी मेरे ही प्राण लेने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है। प्रिय दर्शकों, हमारे विद्वानों ने सच कहा है, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो आखिर मानव क्या चीज है। स्त्रियों के जाल में अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। अब राजकुमार विश्वजीत कुएं पर जाकर के पानी भरने के लिए बाल्टी नीचे डालता है तो उसी क्षण राजकुमारी रत्नावती ने अपने पति विश्वजीत को धक्का मार दिया और उसे कुएं में धकेल दिया। और ऐसा करने बाद में खुद लौट कर करके उस फकीर के पास में पहुंच जाती है और वह फकीर उस रानी को अपने साथ में लेकर के एक राज्य में जाकर के रहने लगता है। वहां पर वह दोनों ही बड़ी हंसी खुशी के साथ में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस फकीर ने उस रानी रत्नावती को बहुत ही अच्छा सा नृत्य करना सिखा दिया। अब तो वो रानी जो थी बहुत ही बड़ी बड़ी नृत्यांगना बन गई है, नगर में नाचने के मामले में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। इस तरीके से रानी के नृत्य रूप के कारण उस फकीर के पास में लाखों करोड़ों रुपए बन गए हैं। अब तो रानी जो थी उस फकीर के पास में बड़ी ऐशो आराम से मस्ती के साथ में रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति विश्वजीत को उस कुएं में ढकेल दिया था तब सहयोग से उस समय कुएं पर एक जंजीर कुएं में लटकी हुई थी। विश्वजीत ने कुएं में गिरते समय उस जंजीर को पकड़ लिया था और उस जंजीर को पकड़ करके लटका हुआ था। अब तो विश्वजीत उस कुएं में भगवान को याद करके सोचने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्यार की सजा है। अब कुछ देर बाद में बंजारों की एक टोली वहां पर आ गई। उन बंजारों के झुंड में से एक बंजारा अपनी बाल्टी लेकर के उस कुएं की ओर बढ़ने लगा तो कुएं के नजदीक आकर के उसने अपनी बाल्टी उस कुएं में पानी भरने के लिए डाल दी। तब उसी समय पर विश्वजीत ने उस बाल्टी को अपने हाथों से पकड़ लिया। अब तो बंजारा इस दृश्य को देख करके एकदम से चौंक गया और उसने पूछा, हे भाई, आखिर तुम कौन हो। तब राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, भाई, मैं बड़ी मुसीबत का मारा हूं, कृपया करके मुझे यहां से निकालो और मेरी जान को बचा लो। यदि आज तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारा एहसान पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। प्रिय दर्शकों, अब तो ऐसा कहकर के राजकुमार विश्वजीत उस बंजारे से प्रार्थना करने लगा, किंतु राजकुमार विश्वजीत की इस दुख और पीड़ा को देख करके उस बंजारा के मन में दया आ जाती है और वह सोचने लगा कि इंसान ही इंसान के काम आता है। और उसने विश्वजीत को उस कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा कि हे भाई, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम उस कुएं में कैसे गिर गए, मुझे अपना वृत्तांत बताओ। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, हे भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं, जो घटनाएं जो मुसीबतें मेरे साथ में घटी हैं, भगवान न करे इस प्रकार की मुसीबतें फिर किसी के साथ में घटे। फिर विश्वजीत ने जवाब दिया, हे भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो, मेरी परेशानी को जानना ही चाहते हो, तो सुनो, मैं आपको अपना कथन सुनाता हूं, अपनी बीती आपको सुनाता हूं। मैं एक राजकुमार हूं, मेरे पिता ने किसी कारण से मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है, इसलिए मैं अपनी धर्म पत्नी के साथ में इस जंगल में पहुंच गया और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। तब उसी समय पर जंगल में एक सर्प ने मेरी पत्नी को काट लिया था, इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राणों के लिए त्यागने जा रहा था, तब एक महात्मा ने मुझ पर दया की और मेरी 40 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष मेरी पत्नी को दान देकर के उसे जीवित कर दिया। फिर हम वहां से आगे के लिए बढ़ गए। अब कुछ दिनों के बाद में हम एक स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक फकीर की झोपड़ी थी। वहां पर मुझे बहुत तेज प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए कुएं पर चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने कहा,
कि उसे भी प्यास लगी है और मुझे भी साथ लेकर के कुएं पर पानी पिला लाओ, और इसी तरीके से तय करके मेरी पत्नी मेरे साथ साथ उस कुएं पर पहुंची। मैं उस कुएं से पानी निकाल रहा था तो मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकती हुई जंजीर मेरे हाथों में आ गई, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। और फिर जब आप आ गए तो मैंने आपको आवाज दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से निकाल लिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। अब इधर मोर कहने लगता है कि हे प्रभु। इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत ने बड़े उदास मन से अपनी आप बीती उस बंजारे को सुना दिया। और फिर अपना कथन सुनाने के बाद में राजकुमार विश्वजीत एकदम से चुप हो गया। उधर उस बंजारे ने राजकुमार विश्वजीत को उन बातों को सुनाया और अपनी रानी की करतूतों को सुना करके बड़ा ही निराश हुआ और कहने लगा, राजकुमार किसी ने सच कहा है, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो आखिर मनुष्य यह कैसे समझ सकता है। स्त्रियों का चक्रव्यूह भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें फंस करके मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है, वह बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहने के बाद में उस बंजारे ने विश्वजीत के सिर पर हाथ घुमाया और कहने लगा, हे भाई तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर ही करेंगे। उस बंजारे ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। तब बंजारे की बात को सुनकर के विश्वजीत उस बंजारे के साथ में ही रहने के लिए सहमत हो गया। फिर उन बंजारों की सहायता से वह राजकुमार जो था उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी रत्नावती और वह फकीर रह रहा था। उस राज्य को देख करके विश्वजीत बंजारे से कहने लगा, हे भाई मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहूं। तब बंजारे ने जवाब दिया, मित्र तुम जैसा चाहते हो वैसे ही रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद में राजकुमार विश्वजीत भूखा था, उस बंजारे से आज्ञा लेकर के राज्य में घूमने के लिए आया और काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देख करके उस राज्य के बड़े व्यापारी ने अपने यहां पर उसे नौकरी पर रख लिया। इस तरीके से राजकुमार विश्वजीत उस व्यापारी के यहां पर काम करना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत और लगन के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करना शुरू कर दिया। राजकुमार की मेहनत को देख करके उस व्यापारी ने राजकुमार विश्वजीत को बड़ा ही सम्मान दिया और धीरे धीरे करके उस राजकुमार को अपने यहां काम का एक मुनीम बना लिया। अब वह मोर कहता है कि हे प्रभु। अब इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ में कटने लगे। अब एक दिन उसी नगर के राजा के यहां पर राजकुमार विश्वजीत की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का वहां पर प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रिय दर्शकों, जब राजा के यहां पर राजकुमारी रत्नावती का नृत्य होने वाला था तब राजा ने उस शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारी अपने यहां पर नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। बंधु राजकुमार रत्नावती के नृत्य की प्रशंसा उस पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी और सबसे प्रसिद्ध भी बन चुकी थी। तब सेठ राजकुमार विश्वजीत से कहता है कि मैं राजा के यहां पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूं, अगर तुम भी दरबार में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब राजकुमार विश्वजीत कहता है कि क्यों नहीं, मैं भी इसी बहाने से नृत्य देख लूंगा, अगर मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्य का कौन है, इसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत अपने सेठ के साथ में राजा के दरबार में पहुंच गया। तब रानी ने एक अप्सरा के समान दरबार में अपना नृत्य प्रदर्शन किया और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गाने को सुन करके वहां पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में आ गए और सभी सेठ और विद्वान लोगों ने भी, राजा के दरबार में सभी समाज के लोगों ने उसके नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी, इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतार करके रानी रत्नावती को भेंट कर दी। उसके बाद में राजकुमारी रत्नावती ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी, यह तो बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात है, आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहां पर पहुंच गया है, यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब तो राजकुमारी रत्नावती ने अपने मन में विचार किया, अब मैं यहां के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना और बड़ा ही अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा, तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। बाद में राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। प्रिय दर्शकों,
रानी की इस बसंत बहार को सुनकर के वह बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब तो रत्नावती से राजा कहने लगा, हे नृत्य का, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हूं, आखिर तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तब राजकुमारी रत्नावती ने जवाब दिया कि राजा साहब, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो सबसे पहले मुझे एक वचन दीजिए, जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। रत्नावती ने जवाब दिया, इस सभा में मेरा एक शत्रु है, कृपया करके महाराज मेरे मांगने पर उसको फांसी की सजा दे दीजिए। तब राजा ने जवाब दिया, हे रानी, तुम उस चोर को बुला करके मेरे सामने लाओ। तब उस रानी ने राजकुमार विश्वजीत का हाथ पकड़ा और उसे बुला करके राजा के सामने ले पहुंची। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ही इस चोर को झल्लादों के सामने ले जाओ, रानी के इस चोर को फांसी पर चढ़वा दो। प्रिय दर्शकों, इसी बीच में विश्वजीत का जो सेठ था वह भी वहां पर पहुंच गया। वह डरता हुआ विश्वजीत के पास में गया और उससे पूछा कि आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है, जिसकी वजह से वे तुझे अपना शत्रु बता रही है और वह तुझे मरवाना चाहती है। तब राजकुमार विश्वजीत ने अपने मालिक को जवाब दिया कि हे मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है, बस इस राजा को अब इतना समझा लो कि मुझे सजा देने के पहले मेरी दो बातों को गौर से सुन ले, हो सकता है मेरी जान बच जाए। अब तो विश्वजीत का मालिक इन बातों को सुन करके अपने साथी व्यापारियों से इस विषय में कुछ चर्चा करने लगा। उस सेठ ने कहा कि मित्रों, या तो राजा न्याय करे या फिर हम सभी इस शहर को छोड़ करके इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार से सभी व्यापारी इकट्ठे होकर के राजा के पास में पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे, हे राजन, हमारा मुनीम जो है वह एक निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वे कह रहा है कि राजा से वो दो बातें कहना चाहता है, यदि इन दो बातों को सुनने के बाद में आपको उस पर कोई अपराध लगे तो आप उसे मरवाना चाहे तो आप उसे मरवा सकते हो, उसके मरने के पहले उसकी दो बातों को आप जरूर सुनिए। प्रिय दर्शकों, फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर के कहा, ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे पास में बुलवा दो। तब विश्वजीत को बुला करके राजा के सामने खड़ा किया गया। तब राजा ने जवाब दिया, तुम जो भी कहना चाहते हो वह खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब उसी समय राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया कि महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मेरी हत्या करवाने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया। फिर राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर के राजा ने जवाब दिया, तू उस नृत्यकी का चोर है, उसका शत्रु है। तो विश्वजीत ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूं, जो मुझे कुएं में ढकेल कर इस फकीर के साथ मैं यहां पर भागकर चली आई है। अब तो राजकुमारी रत्नावती ने समझ लिया कि अब तो बात बिगड़ रही है। तब राजकुमारी रत्नावती जो थी राजा से कहती है कि हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं उल्टा नहीं हूं, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है, आखिर यह कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूं, यह तो मेरा चोर है, मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूं कि यह मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया कि महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में दिया था वह मेरी अमानत के रूप में इस स्त्री से मुझे वापस दिलवा दो। फिर विश्वजीत रानी रत्नावती की तरफ देखने लगा। तब राजकुमार विश्वजीत ने अपनी अमानत को वापस लेने की बात की तो राजकुमारी रत्नावती ने इसे बड़े सहज स्वभाव से स्वीकार कर लिया। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में गंगा जल लो, अब तुम्हारा न्याय इसी सभा में होगा और सभी के सामने होगा। तब राजकुमारी रत्नावती ने जल डाल करके जमीन पर रखा और कहा कि वही वस्तु जो रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही हूं। तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत ने अपने हाथों जल लिया और जल लेकर के यह बात कही कि मैंने रास्ते में जो कुछ भी चीज अपनी रानी को दी है वह मैं वापस ले रहा हूं, और हाथों में गंगा जल ले लिया। उसी वक्त रानी रत्नावती ने भी अपने हाथों में जल लिया और कहा कि मुझे रास्ते में जो वस्तु भी इसने दी है, मैं उसकी वस्तु इसके कहने के अनुसार आज इसे वापस कर रही हूं। जैसे ही उसने अपने हाथों से जल छोड़ा तो उसी क्षण रानी के शरीर से प्राण निकल गए। अब वह मोर कहने लगा कि प्रभु, इस दृश्य को देख करके वहां के लोग जो कि एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। राजा के लिए भी यह बात बड़ी ही चिंता का विषय बन गई। तब राजा विश्वजीत से कहने लगा, आखिर यह क्या हो गया, मुझे सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या है? तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी कहानी सुनाने लगा
अपने जीवन की सभी घटनाओं को खुल करके बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को उसने सुना दिया और राजा ने भी बड़े ध्यान के साथ में सुना। राजा ने पूरी कथा को सुनकर के विश्वजीत को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद में राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी विश्वजीत के साथ में करवा दी। तभी इधर मोर कहने लगा, हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है। इस कहानी को सुनने के बाद में मैं भी स्त्रियों से घृणा करने लगा हूं और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार में स्त्री जो है पुरुषों से अधिक ज्यादा पापी और धोखेबाज होती है। इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। प्रिय दर्शकों, उस समय उस मोर ने यह कहानी माता पार्वती और भगवान शिव को सुनाई और यह बताया कि स्त्री ही होती है पुरुष की तुलना में सबसे ज्यादा विश्वासघाती और पापी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद में भगवान शिव और माता पार्वती एकदम से हैरान रह गए। तब माता पार्वती कहने लगी कि मुझे लगता है ये मोर सच कह रहा है। स्त्री तो किसी में से ही एक दो ही सच्ची और ईमानदार और चरित्रवान निकलती है, परंतु इसके अलावा पुरुषों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। भगवान शिव ने पूछा कि मोरनी, तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष भी सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होता है और वह किस समय पर धोखा देता है। भगवान शिव की बात को सुनकर के मोरनी कहने लगी, प्रभु, मैं भी अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं जिससे साफ साफ मालूम होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे ज्यादा पापी और दुराचारी होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं और वह किस समय पर धोखा देते हैं, यह भी आपको पता चलेगा। फिर उस मोरनी ने भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही कहानी कहना प्रारंभ किया। मोरनी कहने लगी, हे प्रभु, एक नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुआबाजी और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वह लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसको समझा समझा कर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वो लड़का नहीं समझा। जब पिता की मृत्यु होने के बाद वो लड़का और भी ज्यादा अस्वतंत्र हो गया। अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया। सट्टाबाजी में ही पूरी जमा पूंजी को लगा दिया और बर्बाद होकर के जमीन दौलत सब कुछ बेच करके बस सट्टेबाजी में लग गया और गांव छोड़कर निकल गया। जब वो लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वो एक नगर में पहुंच जाता है। उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर के बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि ये लड़का बड़ा सुंदर है। हो सकता है या तो कोई सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का हो। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास बुलवाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर के जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई, तुम कहां से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो, सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुमको क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है। वो राजा से कहता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने मिलकर के मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहां पहुंच गया हूं। प्रिय दर्शकों, उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मुझे मेरे गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं है। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं और आपका बहुत ही भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वो राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को ये लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वो सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बन करके रह सकता है और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? प्रिय दर्शकों, लड़का यह बात को सुनकर मन ही मन में अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से कहता है, हां राजा साहब, मैं तैयार हूं। यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है, तो मैं कैसे मना कर सकता हूं? प्रिय दर्शकों, राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देते हैं
काफी सारा धन दौलत और दास दासियां देकर अपनी पुत्री को उस लड़के के साथ राजा विदा कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजा की पुत्री को लेकर के जाता है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वो लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो अब तुम मेरी पत्नी हो, और पत्नी का यह धर्म होता है कि वो पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट के ले गए थे, इसलिए आपके पास जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं वो सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, वरना लुटेरे यहां से लूट करके ले जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वो पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती थी, तो वो कहती है, ठीक है जी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार करके आपको दे देती हूं। प्रिय दर्शकों, वो राजा की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है। प्रिय दर्शकों, और राजा ने जितना भी धन दौलत दिया था उन सबको वो एक जगह इकट्ठा कर लेता है और रास्ते में आगे जाकर के वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही में कुआं था उस कुएं में धकेल देता है और वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है, तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, खूब मैं जुआंबाजी करूंगा, खूब मैं सट्टा लगाऊंगा। यही सोच करके लड़का वहां से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में खत्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाती रही कि मुझे कोई कुएं से बाहर निकालो। प्रिय दर्शकों, रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे, उन लोगों ने उस लड़की की आवाज सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल लिया। लड़की वापस अपने राज्य में पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है, पुत्री क्या हो गया, तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री रास्ते में हमें कुछ गुंडे मिल गए थे और गुंडों ने हमारे साथ यह दुर्व्यवहार किया, सभी दास दासियों को खत्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वो लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। प्रिय दर्शकों, वह जितना भी धन लूट करके ले गया था उसने सब कुछ जुआबाजी सट्टाबाजी में उड़ा दिया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वो लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वो सोचने लगता है कि अपने ससुर से जाकर यह कहूंगा कि ससुर जी आप नाना बनने वाले हैं, इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन देंगे और इस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दास दासियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है, यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तविकता में पतिव्रता है। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने वर्ष भी आप सीधा करके रखो लेकिन वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती, इसी तरीके से यह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। यह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और पत्नी ने जो बात कही है वही बात राजा से कहता है। प्रिय दर्शकों, लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है कि देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आपको कल सुबह ही प्रातः काल ही मैं यहां से लेकर जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा, अब आप जाकर सो जाइए। प्रिय दर्शकों, सारे घर वाले सो जाते हैं, राजा सो जाता है, उसकी पत्नी सो जाती है। वह लड़का आंधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है, अपनी पत्नी की गर्दन काट देता है। सभी को मारने के बाद वहां से सारा धन और उस स्त्री के गहने चुरा करके फिर से अपने गांव लौट आता है। इस प्रकार से मोरनी कहने लगती है,
अब आप बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? अब न्याय आपके हाथ में है। अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? तब भगवान शिव कहने लगते हैं कि मैंने तुम दोनों की कहानी बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी है कि दोनों का न्याय करता हूं। सच में संसार में स्त्री पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना मुश्किल है। तब भगवान शिव कहते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुषों हो। मनुष्य को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यही सोचना चाहिए कि क्या वह सही कर रहा है या फिर नहीं। पापी और विश्वासघाती होने के लिए मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है, उस इंसान की सोच और प्रीति भाव का परिणाम होता है। प्रिय दर्शकों, वास्तव में इंसान की सोच ही उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से भगवान शिव उस मोर मोरनी का न्याय करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।